गुड टाइम। हेलो दोस्तों, स्नेक रेस्क्यू के लिए कॉल आई है रवि जी की। तो देखते हैं जाके कौन सा सांप है और कोशिश करते हैं उसको रेस्क्यू करने की और दिखाते हैं आपको जल्दी जल्दी में। तो बने रहें हमारे साथ। जूम करके दिखाएं थोड़ा, सामने उस फट्टे के पीछे सांप दिखाई दे रहा है। ओ भाई हो, देख पाओ जो कहने रहा। ओ भाई मरे मुड़ती है। बच्चे हम दिवार हो गई। तो ये है दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग भी से कहते हैं, फिडार कहते हैं, गेहनू भी कहीं कहीं कहते हैं। ये देखिए पूरा ब्लैक है, अभी तो ये काफी छोटा है। और हिंदू धर्म में लोग इसकी बहुत ही लोग बहुत मानते हैं इसको और पूजा करते हैं इसकी, और अक्सर शिव मंदिरों में इसी फन वाले नाग को या स्पेक्टेकल कोबरा को देखा गया है बहुत बार, और लोग उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग डर के कारण इसको मार देते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सांप है। इस सांप में न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, और सांपों का जहर हम इंसानों के लिए बहुत ही काम आता है। मेडिकल पर्पस से देखा जाए तो बहुत सी दवाइयों में इनके जहर का उपयोग होता है, जो कहीं ना कहीं हम लोगों के ही काम आता है। तो इन सांपों को मारे नहीं, इनसे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण से हम कैंसल। तो ये है रवि भाई जिन्होंने हमें कॉल की थी सांप को बचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। दोस्तों अभी अभी हमने कोबरे का रेस्क्यू किया था, अभी इसको आगे जंगल में छोड़ने के लिए उसकी यहीं पे रिलीज कर देते हैं। चलिए उसको जाने देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, अंधेरा भी होने वाला है। और देखिए पर्यावरण में चला गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। इसी प्रकार सांपों को भी चाहिए पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।